आज हम विकास गोयल जी के साथ हैं, कल किसी और साथी को लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। सुरमई शाम की ये श्रृंखला उम्मीद करते हैं चलती रहेगी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं इतना कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपको आनंद आने वाला है। विकास जी की जो स्वर लहरियां हैं वो आपको झंकृत करने वाली हैं। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं बढ़ता हूँ विकास जी की ओर और माइक उन्हें सौंपता हूँ कि वे आप सभी को संबोधन देते हुए अपना कोई गीत, कोई गजल, जिसमें वो अपने आप को रमा सकें, उसका स्वयं भी आनंद ले सकें। तो विकास गोयल जी आपके बीच उपस्थित हैं। विकास जी नमस्कार। नमस्कार प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे साथियों, आप मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत हैं गजल की कुछ पंक्ति मेरे माध्यम से। बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, कर सके तो सिर्फ अपने, कर सके तो सिर्फ अपने पास की बातें करें। बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, अपनी किस्मत पर यहाँ रोने से बेहतर है यही, अपनी किस्मत पर यहाँ रोने से बेहतर है यही। बैठ कर कुछ हास कुछ, बैठ कर कुछ हास कुछ परिहास की बातें करें। बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, हम फरेबों चालबाजी की हदों को छोड़कर, हम फरेबों चालबाजी की हदों को छोड़कर, लौट कर फिर से चलो, लौट कर फिर से चलो, विश्वास की बातें करें। बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, कर सके तो सिर्फ अपने पास की बातें करें। बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, एक मुट्ठी आसमां की कैद से अच्छा है ये, एक मुट्ठी आसमां की कैद से अच्छा है ये, हम खुले आकाश के, हम खुले आकाश के एहसास की बातें करें। बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, आज के हालात ने यह भी सिखाया है हमें, आज के हालात ने ये भी सिखाया है हमें, महल में रहते हुए, महल में रहते हुए संन्यास की बातें करें। बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, बेवजह क्यों दूर के
आभास की बातें करे, अब वतन के देश भक्तों को भी नींद आने लगी, अब वतन के देश भक्तों को भी नींद आने लगी। हम शहादत से भरे, हम शहादत से भरे, इतिहास की बातें करें, बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें। अब हमें पतझड़ की सूरत से भी नफरत हो गई, अब हमें पतझड़ की सूरत से भी नफरत हो गई। हमको जब मौका मिले, हमको जब मौका मिले, मधुमास की बातें करें, बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें। कर सके तो सिर्फ अपने पास की बातें करें, बेवजह क्यों दूर के आभास की बातें करें, आभास की बातें करें। धन्यवाद साथियों। तो प्यारे साथियों, आप सुन रहे थे विकास गोयल जी को, बेवजह क्यों आभास की बातें करें, एक गजल आपके बीच प्रस्तुत की विकास जी ने। और निश्चित रूप से हम अपने आसपास की चीजों को छोड़ जाते हैं, हम उन चीजों को कम महत्व देते हैं जो चीजें हमारे नजदीक होती हैं। यदि ईश्वर को जो हम सदियों से ढूंढते फिर रहे हैं, यदि ईश्वर हमारे नजदीक होता तो निश्चित रूप से हम उसकी उतनी कदर नहीं करते जितनी हम अब कर रहे हैं। अब हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों पर ईश्वर की खोज के लिए पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना नामुमकिन हुआ करता था। तो क्यों ना अपने आसपास के लोगों में जो काबिलियत है उसको पहचाने, क्यों ना हम लोग एक बार फिर से अपनी दृष्टि को विस्तार देते हुए अपने आसपास देखें, अपने आसपास के लोगों से बातें करें, अपने आसपास की बातें करें। विकास जी ने इस रचना के माध्यम से निश्चित रूप से माहौल को बड़ा खुशगवार बना दिया है और सुरमई शाम का उद्देश्य भी यही है। आप भोजन करके रजाई में दुबके बैठे हैं, सुरमई शाम हिंदी की दुनिया आपके लिए लेकर के आई है। इस सुरमई शाम में आज हम सुन रहे हैं विकास गोयल जी को।